इस वक्त हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, क्योंकि हम पॉलिटिकल रिएक्शन ले रहे हैं बिहार से। पप्पू यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। जी जी जी, धन्यवाद। आपने बयान सुना बिहार के मुख्यमंत्री के लिए, बीजेपी के एक सांसद का बयान कि नीतीश कुमार कुर्सी के इतने प्रेमी हैं कि वो दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिलाने में उनको संकोच नहीं होगा। नीतीश कुमार जी यदि दाऊद इब्राहिम से हाथ मिलाने की बात खेती पासवान करता है, तो नीतीश कुमार यदि 16 साल और अटल बिहारी वाजपेयी ने मंत्री कैसे बना के रखा, ये हमको जरा बता दीजिए ना। और 16 साल नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को आका काहे मान लिया, क्यों नीतीश कुमार के साथ बार बार उसको लालू यादव जी भी कह दिए कि सही कहते हैं, तो 2 साल आप लालू यादव जी नीतीश कुमार के साथ कैसे अपने बेटे को सर्वाइव करने के लिए आप मुख्यमंत्री बना रहे थे और डिप्टी सीएम बना दिया आपने। आपको आपको इनको नरेंद्र मोदी अटल जी से पूछना चाहिए था कि दाऊद इब्राहिम से हाथ मिलाते हैं। दूसरी चीज, बीजेपी जो बात हमेशा कहती है, सवाल उठता है कि बिहार में ये इतनी बड़ी तल्खी किस बात को लेकर के है। जब कभी भी बिहार के संभावनाओं की बात आती है, ये जीएसटी का पैसा हाथ में ना करने देते हैं। जब पूंजी निवेश की बात आती है तब ये नहीं देते हैं जी। जब ये फैक्ट्री के विशेष पैकेज की बात हम लोग अटल जी के सामने समय में किए थे तब हम लोगों को नहीं मिली। उसके बाद जो फंड फूड प्रोसेसिंग पर हम लोगों ने अलग से बना दिया था वहां नहीं मिली। दुनिया में और भारत में सबसे कम पैसा पर्यटन विभाग में बिहार पे खर्च होती है और हुआ भी नहीं, पैसा यहाँ पर पर्यटन विभाग में नहीं दिया गया। कितना आप यूपी को देते हो उतना 10% भी आप पैसा नहीं देते हो यहाँ पर। आखिर आप ये लोग विशेष राज्य बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी भी बात किए थे, याद कीजिए आप जब बम चली थी नरेंद्र मोदी जी पर। तो ये आपको क्या लग रहा है कि बिहार का हक मांगा जा रहा है इसीलिए नीतीश कुमार पर अटैकिंग हो गई है बीजेपी? भैया एक बात आप बताइए ना, बिहार का हक तो कभी नीतीश जी भी थे लगातार नहीं दे पाया और बीजेपी हमेशा बिहार के साथ। आप उठा के देखिए, लालू यादव भी किंग मेकर थे, बिहार का बंटवारा तो बीजेपी ही ने किया हो। अटल जी के समय में बिहार का बंटवारा हुआ, 14 करोड़ लोगों को कौन मारा? उसमें लालू यादव जी को लगा कि हम यहाँ पर बड़का मुख्यमंत्री, हमारा परिवार सेफ हो जाएगा, बिहार बाहर में जाए, और बीजेपी को लगा कि हम पहला मुख्यमंत्री हो जाएंगे झारखंड में और झारखंड हमारी बपोती हो जाएगी। ये दोनों व्यक्ति के कारण बिहार का बंटवारा हो गया, बिहार कहाँ से कहाँ चला गया। आप गंभीरता को देखिए ना, आज जितना बाढ़ था उससे 3 गुना ज्यादा बाढ़ की स्थिति बढ़ गई। हमें नदी छोड़ने पर पैसा नहीं दिया अटल जी के समय से लेके आज तक। फरक्का की बात हम लोगों ने उठाई, नीतीश जी ने भी उठाया, उस पर पैसा नहीं दिया। सेंट्रल स्कूल कॉलेज की बात उठाई, उसको सेंट्रल कॉलेज नहीं दिया पटना। बीजेपी चाहती है कि 2.5 साल का सीएम, बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि 2.5 साल का फॉर्मूला हमें चाहिए, 2.5 साल हमारा सीएम। हमको तो समझ में नहीं आता है कि बीजेपी में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। पहले तो आप ये बताइए ना, इनकी ये कहते हैं जायसवाल की हमारा थाना नहीं सुनता है, इनके यहाँ 2-2 डिप्टी सीएम है, एक डिप्टी सीएम का भाई दवाई दुकानदार को पीटता है, दूसरा मंत्री गांव में गरीब आदमी पर मंत्री का बेटा घाट को ले जाकर के पीटता है। बेतिया में कास्ट क्राइम और चैन दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं क्राइम और गरीबी है तो वो बेतिया है। अब आप जायसवाल जी से पूछिए कि शराब सबसे ज्यादा शराब बनाने में शराब को करने में कौन इन्वॉल्व है, जरा आप पूछिए उनसे। हम जानना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग इन्वॉल्व है। बीजेपी कभी नहीं चाहे शराब, ठीक है ये गलत प्रिंसिपल हो सकता है, लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों आदमी मिल करके इस कानून को बनाए। अब लालू यादव जी के जो असर कठुआ खानदान है, जो राजनीतिक अपरिपक्वता है, वो औकात हमेशा नीतीश कुमार को दिखाते हैं। कल नीतीश कुमार जी का बेटा औकात दिखाएंगे लालू यादव को? हम लालू यादव को औकात दिखाने के हैसियत में है? 90-91 में आप पैदा लेते हो, तब तक कितना केंद्रीय मंत्री? आप लालू यादव से क्यों नहीं पूछते हो भाई, किंग मेकर थे तो बिहार के लिए विशेष पैकेज क्यों नहीं लिए? जब वो कांग्रेस के साथ थे तो क्यों नहीं लिए? चलिए, मतलब यानी दोनों तरफ से पॉलिटिक्स हो रही है, विपक्ष भी पॉलिटिक्स कर रहा है, सत्ता पक्ष भी पॉलिटिक्स कर रहा है, लेकिन बीजेपी
बिहार का हक मार रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के संरक्षक, उनका कहना है सीधे तौर पर कि जब जब बिहार का हक मांगा जाता है तब तब इसी तरह से बीजेपी किसी तरीके से मुद्दे को घुमाती है।